में वो
Sorry, that me.
जुड़ गए हैं मन के तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के बारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, पिता सतगुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें दिल के तुम्हें सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। अच्छा, तो जैसे जैसे हम कमेंट्री देते जाएंगे, कमेंट्री भी हम उसी रीति से देते जाएंगे, एक एक बात को लेते जाएंगे और उसमें कुछ क्षण स्थित होना है और उसमें स्थित होकर के उसको फील करना है, महसूस करना है और वो वाइब्रेशंस को भी फैलाना है। हम सभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प की पट्टी बांधते हैं और सर्वप्रथम अपने अंतिम स्वरूप
अंतिम फरिश्ता स्थिति। के ड्रेस को इमर्श करते हैं, और मैं आत्मा इस स्थूल देह से परे होती हूं और अपनी सूक्ष्म संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करती हूं। कि अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस एकदम हल्की चारों ओर लाइट के प्रभा मंडल वाली उसमें मैं स्वयं को देखती हूं। यही अंतिम स्थिति मेरा अंतर्वाहन है, और बाप दादा के संग अंतर वाहन द्वारा चक्कर लगाती हूं। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त स्वरूप में फरिश्ते स्वरूप में, और मैं बाबा के संग नमः शाम के समय चलते हैं भक्त आत्माओं के पास। मंदिरों में भक्त आत्माएं पुकार रही है, देवताओं को भी परमात्मा समझ पुकार रही है, बाबा के संग उन भक्त आत्माओं को शुद्ध वाइब्रेशन देते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा का साक्षात्कार करा,
भक्त आत्माएं शिव बाबा का साक्षात अनुभव करें। और सर्वशक्तिमान परमात्मा को पहचाने। यही है शिव बाबा के छत्र छाया को महसूस करें। धीरे धीरे चलते हैं, और लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और लाइट माइट की सकाश दुखी परेशान आत्माओं को दे रहे हैं।
किसी को शक्ति चाहिए, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। किसी को साहस चाहिए, उन्हें साहस प्रदान करते हैं। किसी को खुशी चाहिए, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर खुशी के प्रकंपन देते हैं। लाइट और माइट की सकाश से उन आत्माओं को आत्मतृप्ति महसूस हो रही है। धीरे धीरे चलते हैं अपने अव्यक्त वतन में, बाप दादा के संग, और अव्यक्त वतन से बेहद की स्थिति में स्थित होकर सारे संसार के ग्लोब पर शक्ति की किरणों को फैला रहे हैं। संगठित रीति से विश्व का ग्लोब धीरे धीरे घूम रहा है, हर स्थान को हर आत्मा को शांति की शक्ति आनंद की प्रेम की सकाश दे रही हूं। बेहद की स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर आत्मा को न्यारे और प्यारे होकर देना है, देना है, देना है।
धीरे धीरे है, परमधाम जाते हैं, अव्यक्त वतन में अव्यक्ति ड्रेस को छोड़ करके परमधाम की ओर। जहां उल्टा वृक्ष है, और उस वृक्ष के तने में बीज रूप बाबा के संग स्वयं को देखती हूं, संगठित रूप में और बीच बाबा से सारे वृक्ष के टाल टालियों पत्तों को आत्मशक्ति का पोषण मिल रहा है। मैं आत्मा कितने न भाग्यवान बीज बाबा से शक्तियों का पोषण लेते हुए सारे वृक्ष के पत्तों पत्तों तक ये सकाश प्रवाहित हो रही है। मुझ आत्मा में फुल स्टॉक जमा है, और बाबा से रिसीव करते हुए स्वयं को भरपूर स्थिति में अनुभव करती हूँ। हम तने से
सर्व को ये सकाश प्राप्त हो रही है। हम ही वो पूर्वज हैं धीरे धीरे मन को शांत निर्संकल्प करते हुए शुद्ध संकल्प में स्थित होना है। एक के अंत में समा जाना है, हो जाना है। बाबा की मधुर याद में समाये हुए रहम दिल बन अपनी शुभ भावना शुभ कामना के प्रकंपन सारे संसार की आत्माओं तक पहुंचाना है। शुद्ध स्मृति शुद्ध वृत्ति से पावनता के प्रकंपन सर्व तक पहुंचाना है। और अपनी शुद्ध वृत्ति से वायुमंडल को चार्ज करना है। प्रकृति को भी अपने शुद्ध भावनाओं से सकाश देनी है। पशु पक्षियों को भी शुद्ध वाइब्रेशन की सकाश
साइंस दानों को भी। जो सुख के साधन बनाने के प्रयत्न में लगे परंतु अंत में मनुष्य को दुख ही मिलता है, ऐसे साइंसदान की बुद्धि को प्रकाश देने के लिए मैं साइलेंस का टावर बन जाती हूं। ऊंची स्थिति और शांति स्तंभ बन जाती हूं। शांति स्तंभ बनकर साइंस दानों को भी सतयुगी सुख सुंदर दुनिया के सुख के साधन बनाने की सकाश देती है। निर्बल आत्मा को बल देना शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति देना शांति का